जनाधिकार छात्र परिषद कटिहार के जिलाध्यक्ष चंदन यादव के नेतृत्व में डीएस कॉलेज के बीएड हॉल में एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों छात्र परिषद के कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में जाप छात्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतम आनंद, जाप छात्र बिहार प्रदेश अध्यक्ष आजाद चांद समेत युवा प्रदेश प्रवक्ता जेडी यादव, पूर्णिया विश्वविद्यालय अध्यक्ष विनय यादव शामिल हुए। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतम आनंद ने कहा कि आज का परिदेश हम युवाओं को संगठित होकर अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। यह सरकार केंद्र की हो या राज्य की, हमेशा से छात्र युवाओं को ठगने का काम किया है। उनकी कॉलेज यूनिवर्सिटी के हालात के खिलाफ हमें एक होकर लड़ना पड़ेगा। प्रदेश अध्यक्ष आजाद चांद ने कहा कि पूरी बिहार का जो भी विश्वविद्यालय कॉलेज है, उनकी बदहाली का जिम्मेदार कौन है, ये हमें समझना पड़ेगा। आखिर आज़ादी के इतने दिन होने के बावजूद भी हमारे कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है और हमारी सरकार सिर्फ शिक्षा के नाम पर लंबे लंबे वादे और घोषणाएं करती है। बीटी न्यूज बिहार के लिए कटिहार से मनीष कुमार की रिपोर्ट। छात्र सम्मेलन, ये कटिहार की धरती, ये जन अधिकार छात्र परिषद और यहाँ के छात्रों के को हो रहे परेशानी को लेकर आज हम लोगों ने चर्चा किया है और हम लोगों ने तय किया है विश्वविद्यालय कॉलेज में जिस तरह से आज के परिवेश में, आज के समय में छात्रों का शोषण हो रहा है, छात्रों को बेवजह परेशान किया जा रहा है, इसके खिलाफ पूरे बिहार में जन अधिकार छात्र परिषद मजबूती से संघर्ष करेगा। और मेरा सीधा आग्रह होगा बिहार के सरकार और बिहार के मुखिया से, जिस तरह से जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी को साजिशन गिरफ्तार करने के लिए आज उन्होंने गिरफ्तार करके जेल में रखा है, आज उसी के लिए जिस छात्र युवाओं के लिए वो लड़े हैं, आज वही छात्र जिला छात्र लोगों को जन अधिकार छात्र परिषद के साथ ही गांव से, दूर से, सुदूर गांव से आए लोगों, छात्र के लोगों और ग्रामीणों से जो है जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी के जो गिरफ्तारी है, साजिश है, उसको बताने के लिए आज जन अधिकार छात्र परिषद का सम्मेलन रखा गया है। धन्यवाद राजा। जी, हम सबों का आज एक दिवसीय दौरा जो सीमांचल के हमारे पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत चार जिले पड़ते हैं, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज, उसमें से आज हमारा जो दौरा है, कल पूर्णिया के बाद आज कटिहार में हम कर रहे हैं। हमारे इस छात्रों को जगाने और छात्रों के एक दिवसीय दौरे का मुख्य उद्देश्य ये है कि कटिहार के अंतर्गत आने वाले चाहे MGM महिला कॉलेज हो, चाहे KB झा, चाहे DH, चाहे RDX सरमारी कॉलेज, इन सभी कॉलेजों की जो हालत और जो व्यवस्था, सबसे पहली बात मेरे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था क्या है, सारे कॉलेज प्रशासन का अर्थ और सिर्फ यही है, डिग्री बेचने की दुकान, सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी में और सभी कॉलेजों में सिर्फ डिग्री बेची जाती है। किसी भी तरह के शिक्षण संस्थान जो आज चल रहे हैं, ये जो धरातल में जिस तरह से इसको धसाया गया है, चाहे वो शिक्षा मंत्री, चाहे वो यहाँ का शिक्षा प्रशासन, चाहे वो यहाँ के पढ़ाने वाले प्रोफेसर, चाहे यहाँ के प्रिंसिपल, इन सब की जिम्मेदारी के खिलाफ आज जन अधिकार छात्र परिषद यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं और छात्रों को आह्वान कर रहे हैं और छात्रों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं और छात्रों को ये बात समझाएंगे कि खाली प्रैक्टिकल दे देने चले जाना और एग्ज़ाम देने चले जाना शिक्षा नहीं है। अगर आपको सही शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए तो आपको लड़ाई लड़नी होगी, आपको हमारे जन अधिकार छात्र परिषद के नेतृत्व में चलना होगा। अपनी शिक्षा करिए, हम ये नहीं कहते हैं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पढ़ाई करें, लेकिन जो संघर्षशील छात्र हैं, जो हमारे साथ आएंगे, इस लड़ाई में हमारा साथ दें, अच्छी शिक्षा के लिए हम उसमें आप लोगों का साथ देंगे, ये हमारी प्राथमिकता है आज के छात्र उसका। और एक और उद्देश्य, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज जेल में है, उनके लिए हम कहना चाहेंगे कि अगर करिएगा बिहार में सेवा तो नहीं मिलेगी मेवा, जाइएगा जेल और नहीं मिलेगी बेल, ये हाल है वर्तमान सरकार का। और पप्पू यादव जी की सेवा के खिलाफ जिस तरह से ये सरकार षड्यंत्र रच रही है, इसको आह्वान करना चाहेंगे कि दौर सबका आता है, आज आपका है, कल हमारा आएगा, फिर परसों किसी और का दौर आएगा, लेकिन इस तरह का कार्य न करें और इसका जवाब हम आने वाले समय में पूरी ताकत के साथ देंगे। JD यादव, राष्ट्रीय युवा महासचिव, सह प्रवक्ता, धन्यवाद। जी, छात्र सम्मेलन को लेकर कटिहार पहुँचे आज जन अधिकार छात्र परिषद के द्वारा, आज तीन हम लोग लगातार दरभंगा यूनिवर्सिटी, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से अपनी यात्रा को शुरू किए थे, कल पूर्णिया में थे और पूर्णिया विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने जिला आते हैं हम वहाँ तमाम जा रहे हैं। आप जानते होंगे बिहार में जो जन समस्या है, जो ये सरकार भ्रष्टाचार के नींव पे रखी गई सरकार है, एक तरफ जहाँ छात्र अभिभावक पिछले 1.5 सालों से
कोरोना से परेशान है। उस कोरोना काल में ना जाने छात्र के परिवार, कई छात्र इस दुनिया से रुखसत हो गए। और दूसरी तरफ ये सरकार जो भ्रष्टाचारी सरकार है, आम लोगों पर महंगाई का बोझ बढ़ाती जा रही है। हम ये जन अधिकार छात्र परिषद की जो है बैठक बुलाई गई है, जन अधिकार छात्र परिषद के तमाम कार्यकर्ता, हम संगठन की मजबूती और बिहार में जो जन समस्या है, आप देख रहे होंगे शिक्षा के क्षेत्र में पूर्णिया विश्वविद्यालय के अंतर्गत चार जिला आते हैं और चारों जिला के जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें ना तो शिक्षक हैं, ना तो सही समय पे क्लास शुरू होता है। इस तरह की जटिल समस्याएं जो हैं उसको लेकर हम तमाम छात्र एकजुट हो रहे हैं और इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करेंगे। जो कॉलेजों के अंदर शिक्षक नहीं है उस पर किस तरह से बहाली हो, इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। दूसरी बात, आप लोग जान रहे होंगे कि हमारे नेता को पिछले 2 महीनों से जेल के अंदर एक फर्जी मुकदमे में उन्हें बंद कर रखा गया है। हम पूछना चाहते हैं सरकार से उनका क्या कसूर था। आप और आपकी प्रशासन जो भ्रष्टाचार कर रही है, उस भ्रष्टाचार को उजागर करने के जुल्म में आप हमारे नेता को जेल में बंद किए हुए हैं। उन्हीं सब बातों पर हम छात्रों के बीच में आए हैं और इस बात को हम लोग गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। अगर कोई व्यक्ति अगर सरकार के सिस्टम के खिलाफ, सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आवाज़ उठाता है, उनको जेल में डालने का काम किया जाता है। आपको पता होगा और विपक्ष के लोग जिस तरीके से हमारे नेता को लगातार टारगेट कर रहे हैं और उन पे कई तरह का एलिगेशन लगा रहे हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं आप लोग कोरोना काल में क्या कर रहे थे। जब लोग मर रहे थे हमारे नेता तो मदद कर रहे थे, लोगों की जान बचाने के लिए आगे आए हुए थे, आप लोग क्या कर रहे थे। आप जो एलिगेशन लगाते हैं ये सरासर गलत है और जो बी टीम जिसकी हो दूसरे ऊपर के ऊपर बी टीम का एलिगेशन लगाते हैं। कटिहार छात्र परिषद जिला इकाई के द्वारा आज डी एस कॉलेज के इस सभा भवन में छात्र सम्मेलन के माध्यम से छात्रों की जो मूल समस्या है कॉलेज के अंतर्गत और कॉलेज के इतर स्कूल की जो स्थिति है, साथ ही साथ विश्वविद्यालय की जो बदहाल स्थिति है, छात्र का मतलब होता है और छात्र सम्मेलन का मतलब होता है छात्रों के समस्या को हम छात्रों के बीच रखें और उसी मुद्दे को लेकर आज हम लोग यहाँ आए हैं छात्रों के बीच उनकी समस्या पे बात करने। कई वर्षों से आप देखेंगे जब कटिहार बीएन मंडल विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता था, यहाँ के कॉलेज जो बीएन मंडल विश्वविद्यालय के अंतर्गत थे और उसके बाद जब पूर्णिया विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ है, तब भी जो यहाँ की मूल समस्या है छात्रों के लिए वो खत्म होने के बजाय बढ़ता चला गया है। कॉलेजों में एक तरफ शिक्षकों का अभाव है, दूसरे तरफ जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वही सरकारी कॉलेज में पढ़ने के लिए और ट्रेडिशनल एजुकेशन लेने के लिए आते हैं और उनको भी एक साजिश के तहत कहिए या सरकारी शिक्षा के प्रति जो शिक्षण संस्थानों के सर्वे सर्वा है उनकी उदासीनता कहिए, उनके वजह से आज कॉलेज और विश्वविद्यालय बदहाल स्थिति में है। तो हम लोग यहाँ चर्चा करने आए हैं जो बेहतर शिक्षा का माहौल कॉलेज में, विश्वविद्यालय में और कॉलेज से नीचे की जो शिक्षा व्यवस्था है वो कैसे बेहतर हो, जिससे जो गरीब दलित वंचित परिवार के बच्चे जो सरकारी शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ते हैं उनको आगे बढ़ने में हम लोग एक सहायक की भूमिका जन अधिकार छात्र परिषद के लोग निभा पाए। दूसरी तरफ जो लैब है कॉलेज में, लेबोरेटरी है या फिर क्लास का जो संचालन है वो नहीं नगण्य है, कहीं भी जो समुचित, एक तो कोरोना लॉकडाउन के बीच शिक्षा बाधित हुई है, जो रोजगार की जो सबसे बड़ी समस्या है छात्रों के लिए उन सवालों पे भी हम चर्चा करेंगे और सबसे बड़ी बात है जो छात्रों से हम राय लेंगे जो आगे पूरे बिहार स्तर पे जन अधिकार छात्र परिषद छात्र हित के सवाल पे कई वर्षों से लड़ाई लड़ते आया है, शिक्षा बेहतर करने को लेकर के, रोजगार के सवाल पे और खास करके प्रतियोगिता परीक्षा में धांधली जो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जो
जो जेन्युइन छात्र है, जिनमें योग्यता है, जिनमें क्षमता है, वो वंचित हो जा रहे हैं जो भ्रष्ट सिस्टम है उसके अंतर्गत, और जो पैसे वाले लोग हैं सेटिंग गेटिंग अन्य माध्यमों से जिनका पैरवी है वो उन चीज़ों में चले जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो सत्र आज तक नियमित हमें लगता है नहीं हुआ है, जो 3 साल की डिग्री होनी चाहिए 5 साल में मिलता है, तब तक छात्रों का लेज एज जो है वो लैप्स हो जाती है। तो इन सारे सवालों पे हम लोग चर्चा करने आए हैं, और संगठन का जो मजबूती है, संगठन के विस्तार को लेकर के हम लोग यहाँ पे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आगे पूरे राज्य स्तर पे एक तरफ जो डबल इंजन की सरकार जो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के सवाल पे और भ्रष्टाचार के सवाल पे विफल है, और दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो मौन समर्थन उसको दे रही है, इन सारे सवालों पे हम राय लेकर के आगे जो है पूरे प्रदेश स्तर पे छात्र युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए शिक्षा और रोजगार के सवाल पे व्यापक जन आंदोलन का आगाज यहाँ से हम लोग करने आए हैं।